मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। जंगल की आग के खिलाफ जंग, कनाडा और अमेरिका के अहम मुहादे पर दस्तखत कर दिए। दोनों ममालिक के दरमियान फायर फाइटिंग के वसाइल का तबादला कैसे किया जाएगा? दोनों ममालिक ने कई दहाइयों से एडहॉक बुनियादों पर मिलकर काम किया है। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से इंटरनेट कंपनियों के हवाले से बनाए गए नए एक्ट का निफाज। मेटा का कनाडा के सार्फिन के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खबरों तक रसाई खत्म करने का ऐलान। कैनेडियन वजीर का कहना था कि अगर हुकूमत टेक कंपनी के खिलाफ खड़ी नहीं होगी तो कौन होगा। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो की हुकूमत का तैरते घरों पर पाबंदियाँ आयद करने का फैसला। पाबंदियाँ 1 जुलाई से लागू होंगी। हुकाम का कहना है तैरते घर माहौल पर असरअंदाज हो रहे हैं। आबदोज हादसे के इंकशाफात से भरी अमरीकी बहरिया की खुफिया रिपोर्ट सामने आ गई। टाइटन आबदोज कंपनी ने मुसाफरों की हलाकत की तस्दीक कर दी। बरतानवी मीडिया का लापता आबदोज टाइटन का मलबा मिलने का दावा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा अमेरिका ने जंगल की आग के खिलाफ लड़ाई को बेहतर तौर पर मजबूत करने के लिए मुहादे पर दस्तखत किए हैं। मुहादे से फायर फाइटर्स के लिए सरहद के दोनों अतराफ में दाखिल होना आसान हो जाता है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा अमेरिका ने जंगल की आग के खिलाफ लड़ाई को बेहतर तौर पर मजबूत करने के लिए मुहादे पर दस्तखत किए हैं। मुहादे से फायर फाइटर्स के लिए सरहद के दोनों अतराफ में दाखिल होना आसान हो जाता है। यह मुहादा इस वक्त हुआ जब कनाडा जंगल की आग के रिकॉर्ड तोड़ मौसम से निमट रहा है। कनाडा के कुदरती वसाइल के वजीर जोनाथन विलिंगसन ने और कनाडा में अमरीकी सफीर डेविड कोहन ने जुमेरात को एक मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए, जिसका मकसद जंगल की आग पर सरहद पार तावुन को बेहतर बनाना है। जबकि दोनों मुमालिक ने कई दहाइयों से एडहॉक बुनियादों पर मिलकर काम किया है। नया मुहैदा इस तावुन को बाजाब्ता बनाता है और अमरीकी फायर फाइटर्स के लिए जब कनाडा को आग बुझाने की जरूरत होती है तो उसमें मदद करना आसान बनाता है। मुहैदे के एक हिस्से के तौर पर एक नया फ्रेमवर्क है जो ये बताता है कि दोनों ममालिक के दरमियान फायर फाइटिंग के वसाइल का तबादला कैसे किया जाएगा। विलिंगसन ने मुहैदे का ऐलान करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीली एक आलमी मसला है, इसके असरात के लिए आलमी रद्द अमल की ज़रूरत है। ये MOU सरहद पार मदद की आसानी में इजाफा करेगा और बहुत से मौजूदा मुहैदों को जदीद बनाएगा। यह मुहैदा सुर्ख फीते को काटने और सरहद के दोनों तरफ एजेंसीज को इकट्ठा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनका उन तबाहकुन आग से लड़ने में हाथ है जो आने वाले बरसों में ज्यादा बार बार हो सकती है। इस मुहादे में मालूमात के बेहतर तबादले पर भी जोर दिया गया है ताकि दोनों मुमालिक आग को काबू से बाहर होने से पहले रोक सकें। मिसाल के तौर पर कनाडा को अब जदीद तरीन अमरीकी सैटेलाइट डेटा तक आसानी से रसाई हासिल होगी जो आग की शनाख्त कर सकती है। ये इस बात को यकीनी बनाएगा कि कनाडा को वाइल्ड लैंड फायर मैनेजमेंट का बेहतर इल्म है। अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा ने कनाडा के सार्फिन के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खबरों तक रसाई खत्म करने का ऐलान कर दिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा ने कनाडा के सार्फिन के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खबरों तक रसाई खत्म करने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने तस्दीक की है कि वह ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट बिल C18 के नाफिज होने से पहले तमाम कनाडा के सार्फिन के लिए
अपनी सोशल मीडिया साइट्स पर खबरों तक रसाई खत्म कर देगा। रवां माह के शुरू में वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि मेटा और गूगल कानून साजी के खिलाफ मुहिम चलाते हुए धमकाने वाले हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना था कि हकीकत यह है कि ये इंटरनेट कंपनियां अपने मुनसिफाना हिस्से अदा करने के बजाय मुकामी खबरों तक कनाडा के बाशिंदों की रसाई को मुनक़ता कर देंगी। ये एक हकीकी मसला है और अब वो अपना रास्ता हासिल करने के लिए गुंडा गर्दी के हथकंडों का सहारा ले रहे हैं। ये काम नहीं करेगा। गुज़िश्ता साल ये बिल मुतारिफ कराने वाले कनाडा के सकाफती विरसे के वजीर पैब्लो रोड ट्रेजिगर ने गुज़िश्ता रोज़ एक्ट की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद कहा कि अगर हुकूमत टेक जॉइंट के खिलाफ कनाडा के लोगों के लिए खड़ी नहीं हो सकती तो कौन होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा ने ऐलान किया है कि कैनेडियन हुकूमत की जानिब से इंटरनेट कंपनियों के हवाले से बनाए गए नए एक्ट के निफाज से कबल कनाडा के सार्फिन के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खबरों तक रसाई खत्म कर दी जाएगी। ऑनलाइन न्यूज एक्ट के नाम से बनाए गए नए कानून के बिल के गुज़िश्ता रोज सेनेट से मंजूरी दी गई और तवक्को है कि जल्द ही इसे बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया जाएगा। मेटा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हम तस्दीक कर रहे हैं कि ऑनलाइन न्यूज एक्ट के नाफिज होने से पहले कनाडा में तमाम सार्फिन के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खबरों की दस्तियाबी खत्म हो जाएगी। ये एक्ट फेसबुक और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स को तजारती माहदों पर बातचीत करने और ख़बरों के पब्लिशर्स को उनके मवाद के लिए अदायगी करने पर मजबूर करने के कवानीन का खाका पेश करता है जो कि 2021 में ऑस्ट्रेलिया में मंजूर किए गए एक अहम कानून की तरह है। गूगल ने कहा है कि कनाडा का कानून ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में नाफिज करदा कानून से ज़्यादा सख्त है और उसने खदशात को दूर करने के लिए तरामीम की तजवीज़ पेश की है, जबकि गूगल के तर्जुमान का कहना था कि ये नाकाबले अमल है। कानून साजी कनाडा की मीडिया इंडस्ट्री की शिकायत के बाद की जा रही है जो कि टेक कंपनियों के लिए सख्त ज़ाब्ता इखलाक चाहती है ताकि उन्हें खबरों के कारोबार को ऑनलाइन इश्तिहारी मार्केट से बाहर करने से रोका जा सके। वाज़ेह रहे कि ये एक्ट ऐवान और सेनेट दोनों से मंजूर होने के बाद शाही मंजूरी का मुंतजर है और शाही मंजूरी के बाद इसे नाफिज होने में 6 माह लगेंगे। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड की हुकूमत तैरते घरों पर पाबंदियां आयद करेगी जो झील पर रिहाइश का एक नया अंदाज है जिसने ओंटारियो के कॉटेज मुल्क में तनाज़े को जन्म दिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड की हुकूमत तैरते घरों पर पाबंदियां आयद करेगी जो झील पर रिहाइश का एक नया अंदाज जिसने ओंटारियो के कॉटेज मुल्क में तनाज़े को जन्म दिया है। ये जहाज कनोटेड शिपिंग कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए इस मंसूबे ने कॉटेज के मालकान में गम गुस्से को जन्म दिया है और कम अज़ कम 2 मकामी मेयर्स ने उन्हें बदसूरत करार दिया है। सूबे की पाबंदी से तैरते घरों को आवामी आबी गुजरगाहों पर रात गुजारने से मना किया जाएगा। कुदरती वसाइल और जंगलात की वजारत के जरिए पोस्ट करदा एक जाब्ते के मुताबिक पाबंदियां 1 जुलाई से लागू होंगी। पाबंदी का इत्तलाक सिर्फ उस पर होगा जिसे सूबा तैरती रिहाइश कहता है, जिसकी वजाहत जाब्ते में फ्लोटिंग ढांचे के तौर पर की गई है जो बुनियादी तौर पर रिहायशी मकासद के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, ना कि नेविगेशन के लिए। सेल बोर्ड्स, हाउस बोर्ड्स, केबिन क्रूजर या दीगर रिवायती वाटर क्राफ्ट में रातों रात क़याम से मना नहीं है। ये पाबंदी उस वक्त लगाई गई जब सूबे ने आवाम से इस साल के शुरू में तैरते घरों को रेगुलेट करने की तजवीज़ पर तबसरा करने को कहा। कुदरती वसाइल और जंगलात के वजीर ग्रेडिन स्मिथ, जो ओंटारियो के कॉटेज मुल्क के मरकज़ में वाकया पैरी साउंड मिसकोसा के लिए MPP भी हैं, कहते हैं कि माहौलियाती और हिफाजती खदशात जमालियात नहीं पाबंदियों की वजह हैं। उनका कहना था कि हमने ओंटारियो के आबी गुजरगाहों पर तैरती रिहाइश के इस्तेमाल के बारे में बहुत से खदशात सुने जिनमें माहौलियात पर उनके मुमकिन असरात के साथ साथ हिफाजत के बारे में खदशात भी शामिल हैं। सूबे की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि रातों रात क़याम की पाबंदी का इत्तलाक निजी वाटर लाइट्स जैसे मैरिनास या दीगर हुकूमतों के दायरा इख्तियार में आने वाली आबी गुजरगाहों जैसे ट्रेंट सीवरन किनाल के लिए कुछ हिस्सों में तैरती रिहाइशों पर नहीं होगा। बहरे ओकियानूस में गरकाव जहाज टाइटैनिक के करीब से लापता आबदोज का मलबा मिलना शुरू हो गया, जबकि टाइटन आबदोज कंपनी ने मुसाफरों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। बहरे ओकियानूस में गरकाव जहाज टाइटैनिक के करीब से लापता आबदोज का मलबा शुरू हो गया, जबकि टाइटन आबदोज कंपनी ने मुसाफरों की हलाकत की तस्दीक कर दी। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि समंदर के पानी के अंदर एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई थी जो मुमकिन तौर पर आबदोज के फटने की आवाज़ थी, जिससे अमरीकी बहरिया के अहलकारों ने मुतालिका हुकाम को फौरी तौर पर आगाह कर दिया था। टाइटन आबदोज कंपनी ने मुसाफरों की हलाकत की तस्दीक कर दी।
आबदोज कंपनी ओशन गेट ने मुसाफरों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। ओशन गेट की जानिब से कहा गया कि लापता होने वाली टाइटन आबदोज के तमाम मुसाफिर हलाक हो चुके हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी बहरिया के एक सीनियर एहलकार का हवाला देते हुए दावा किया कि आबदोजों का सुराग लगाने के लिए बनाए गए खुफिया सूती निज़ाम के जरिए समंदर के अंदर एक धमाका सुना गया था। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 111 साल कबल डूबने वाले अजीम जहाज टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जाने वाले सयाहों की आबदोज टाइटन अपने सफर के आगाज के चंद घंटों बाद ही धमाके से फट गई थी। अमरीकी बहरिया के अहलकार ने मजीद बताया कि आदाद व शुमार के तज्जिये से लगता है कि ये धमाका एन उस वक्त सुना गया था जब आबदोज टाइटन का राबता मुनकता हुआ था और मकाम भी वही था जहाँ आबदोज टाइटन को उस वक्त होना चाहिए था। इस हवाले से बरतानवी खबर रसदारे ने दावा किया है के मिलने वाला मलबा आबदोज टाइटन का ही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो मलबा दरियाफ्त हुआ है वो लापता आबदोज टाइटन का लैंडिंग फ्रेम है। दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात को टाइटेनिक की बाकियात दिखाने के लिए ले जाने वाले आबदोज टाइटन जिसकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लापता आबदोज को तलाश करने वाली रेस्क्यू टीमें नहायत जांफिशानियों मेहनत से मुमकिन हद तक कोशिश कर रही हैं। रेस्क्यू टीमें अमेरिका, कनाडा और फ्रांस से ताल्लुक रखती हैं। लापता होने वाली आबदोज में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद सवार हैं। ये लोग 18 जून को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए कनाडा के इलाके न्यू फाउंडलैंड से आबदोज के सफर पर रवाना हुए थे। वाज़ह है कि आबदोज 5 सयाहों को लेकर 18 जून इतवार के रोज न्यू फाउंडलैंड के साहिल से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर 111 साल कबल गर्काब होने वाले अजीम जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने रवाना हुई थी, लेकिन 2.25 घंटे बाद ही आबदोज का राबता मुनक़ता हो गया था। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Precise and effective.